हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो सेबी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है ऑफिसर ग्रेड ए के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में होगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में एक ओवरव्यू पता लग सके और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ना हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स टू रिमेम्बर, कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 सितंबर 2017 से लेकर 29 सितंबर 2017 तक ये चलेगी, और उसी के साथ साथ जो आपको ऑनलाइन फी पे करनी है वो भी सेम डेट ही है, 9 से लेकर 29 सितंबर 2017। और जो कॉल लेटर्स होंगे वो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुछ लोगों का डाउट भी रहता है कि वो प्रिपेयर करें या ना करें उस एग्ज़ाम के लिए, वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और इस केस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो डेट जो है वो 29 सितंबर 2017 है। ठीक है, तो लगभग 1.5 से पौने 2 महीने आपके पास हैं अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये सेबी के बारे में लिखा हुआ है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली हम सीधा नोटिफिकेशन पर आते हैं कि इसकी क्या मुख्य बातें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो टोटल 4 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 3 हैं और ओबीसी के लिए 1 है। एससी एसटी के लिए स्पेशली कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। और उसी तरीके से जो एज लिमिट है, जो कि आपकी 30/6/2017 के आधार पर आपको कैलकुलेट करनी है, वो है अनरिजर्व के लिए आपकी 27 ईयर्स, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 साल। अब क्वालिफिकेशन पर आते हैं, क्वालिफिकेशन की गणना भी आपको 30/6/2017 के आधार पर करनी है। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपको देखना है कि अगर आप 30/6/2017 तक या उससे पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट आप होने चाहिए इंजीनियरिंग में, और ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल हैं ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस। या फिर इनके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए तो भी आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट हैं आप किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में, लेकिन आपके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या जो भी कोई आपको डिग्री मिली है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, और जो डिग्री है वो होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पीजीडीसीए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आई थिंक वो भी एलिजिबल है अगर आपने उसको ग्रेजुएशन के बाद में किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या कुछ मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए जो डेट ऑफ पासिंग होगी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की, वो वही कंसिडर की जाएगी जो आपकी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी। जो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट आपको मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं तो उस पर वो मेंशन भी कर देते हैं कि आपकी पासिंग डेट क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो वही कंसिडर की जाएगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्शन का कारण भी बनती हैं, इसीलिए मैं उनको पहले ही बता देता हूँ ताकि फॉर्म रिजेक्शन की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर कोई स्पेशली आपके लिए अलग से पोस्ट का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन आप फिर भी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि आपको किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और एक रिलैक्सेशन है वो है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो।
उसी के साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। और बाकी सब चीज़ें इसमें डिटेल में भी आएंगी कि कौन जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है उसमें कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो आप डिटेल से ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन जो आपका कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब ओबीसी का मतलब इन्होंने सब लिखा हुआ है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप एटलीस्ट इतने कंप्यूटर लिटरेट हों कि आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एक्सेल वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट आप उसमें तो फ्लुएंट होने ही चाहिए, क्योंकि आप आईटी कैटेगरी के लिए अगर पोस्ट फिल कर रहे हैं तो ये जो छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको ये आने ही चाहिए। अब कुछ लोगों का इसमें डाउट वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी रहता है, तो देखिए इन्होंने लिखा क्या है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरियाज विल बी प्रेफर्ड ड्यूरिंग दिस सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि कंपलसरी नहीं है लेकिन प्रेफरेंस उसी बंदे को दी जाएगी जिसके पास कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा। और वर्क एक्सपीरियंस आपका किस किस क्षेत्र में हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, ये पढ़ लीजिएगा आप अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम किया हुआ है। उसी के साथ साथ आईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपको प्राथमिकता दिलाएगा इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इन पे वैसे जो आईटी से रिलेटेड हैं तो काफ़ी लोगों को इसमें एक्सपीरियंस होता ही है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब उसी के साथ साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू दोनों ही हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट का एग्जाम होगा आपका, और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। और टेस्ट की डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है 29 अक्टूबर 2017। अब थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए एक तरीके से दो सेक्शन है आपके, एक में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इनके मार्क्स इनके सामने मेंशन है। लगभग ये 75 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। उसी के साथ साथ जो प्रोफेशनल नॉलेज है तो उसका होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसके लिए भी आपको 75 मिनट दिए जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप IBPS IT और इसी के साथ साथ SBI IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर और रिसेंटली अगर आप NIELTS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस फॉर्म के लिए भी जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैं बता दूंगा किन लोगों को जाना चाहिए। तो अगर आप इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको भी आप भर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही सिलेबस देखने को मिलेगा। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट रहता है, वो ये है कि हर एक सेक्शन में आपको सेपरेटली मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है, और कितना नंबर चाहिए वो डिसाइड किया जाएगा आपका सेबी के द्वारा। बस ध्यान में ये रखना है आपको कि जो ये आपका सेक्शन है इंग्लिश वगैरह रीजनिंग वगैरह, इसमें अलग से पास होना है और प्रोफेशनल नॉलेज में अलग से पास होना है। अब इंटरव्यू की बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स आपके डिसाइड किए जाएंगे सेबी के द्वारा, तो शॉर्टलिस्ट करेंगे सेबी, और जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको आपको मेल वगैरह के माध्यम से सूचित भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्विस कंडीशन यानी कि पे वगैरह क्या आपको होगा, तो काफ़ी इन्होंने पे बैंड्स वगैरह डाले हुए हैं। मैं छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि इस वक्त मुंबई में जो मिनिमम स्केल है वो अप्रॉक्सीमेट 92,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है अगर आप एकोमोडेशन के साथ ले रहे हैं, और 62,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं पर मंथ विद एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते होते हैं, तो बेनिफिट्स में आपको क्या मिलता है, जो आपको सभी PSUs वगैरह में मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, उसी के साथ साथ आपको लीव फेयर कंसेशन, जितने भी आपके हो सकते हैं एक लग्जरी जिन्हें आप कह सकते हैं पर्क्स या बेनिफिट्स वगैरह, वो सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि आप ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
अकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के साथ साथ पोस्टिंग के रिलेटेड भी कुछ लोगों की क्वेरीज रहती है, तो ध्यान रखिए ऑल ओवर द इंडिया जितने भी सेबी के ऑफिसेज हैं कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो टोटल 9 सेंटर हैं, पढ़ लीजिएगा, अहमदाबाद वगैरह, बेंगलुरु, उसी के साथ साथ चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, उसी के साथ साथ मुंबई और न्यू दिल्ली या फिर NCR में इनके एग्जामिनेशन सेंटर है, तो जो आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है, किसी भी केस में अगर एक बार आपने डिपॉजिट कर दी तो वापस नहीं की जाएगी। और उसके बारे में बात करें तो अनरिजर्व्ड और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये फीस है, ठीक है। उसी के साथ साथ जितने भी SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ₹100 है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसी के साथ साथ जो लोग PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए बहुत सारे नोट्स इन्होंने डाले हुए हैं, तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें और क्या कुछ मेंशन है। अब देखते हैं एक और, इन्होंने SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम रखी हुई है, जिसे कहा है इन्होंने प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेबी ने एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अरेंज की है। तो आपको करना क्या है, ये जो इन्होंने ईमेल ID दी है इस पर अपने जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं या जो परफॉर्मा इन्होंने दिया है इसको भर के भेज देना है, तो आपको मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग पहले ही दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, उसके बारे में और डिटेल्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में सेम वही है जो आपके हर फॉर्म में मोस्टली मेंशन होता है, जैसे कि ऑनलाइन है, उसी के साथ साथ आपको देख लेना है कि आप सभी प्रकार से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, कुछ गलती होती है तो सेबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसी के साथ साथ आप और सब चीज़ें इसमें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो वेबसाइट जो मेंशन है sebi.gov.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पर आपको जाना है। 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। उसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही और ऑनलाइन माध्यम से ही आपका जो फॉर्म है सबमिट होगा, उसके अलावा कोई भी माध्यम नहीं है। अब देखिए इन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइंस या प्रोसीजर दिया है, जैसे कि एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, तो बहुत ही ये सभी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्कैन करना है आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह को, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जो कि आपका जब तक ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चलता है तब तक आपका वो एलिजिबल होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर सब कुछ मेंशन है, तो आप आसानी से इनकी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल से जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सभी यहाँ पर मेंशन है। अब पेमेंट कैसे करनी है फी को, तो सेम वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड वगैरह से आप पे कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी ई रिसिप्ट होगी उसका प्रिंट आउट भी लेकर रख लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रेजेंट करके काम में ला सकें। उसी के साथ साथ गाइडलाइंस लिखी हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप गलती कर देते हैं तो बाद में संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, और काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप सोच रहे होंगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत काम की होती हैं, ये आपके फॉर्म रिजेक्शन को बचाती हैं, क्योंकि अगर आप जितनी भी मेहनत कर लें अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो तो सब वो बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप इनको भी पढ़ लिया करें कि क्या पे पिक्सल्स रखने हैं, साइज क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म जो कैंसिलेशन की संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। अब और चीज़ें भी सब यही हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। कॉलर्स वगैरह के लिए आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। सेंटर आपको ध्यान से भरना है, जहाँ पर भी आप भरना चाह रहे हैं बाद में चेंज होने की संभावना है ना के बराबर है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह ये सब ओरिजिनल कॉपी के साथ लेके जाना है, उसी के साथ साथ फोटो कॉपी भी लेके जानी है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ। और बहुत सी चीज़ें इसमें मेंशन है, जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर होगा, आपने कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक डेटा भी कैप्चर होता है, तो ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है।
और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। एक चीज़ और है कि एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आपने सबमिट की तो सभी एप्लीकेशन आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इसीलिए एक ही एप्लीकेशन भरनी है और ध्यान से भरनी है, ठीक है। नोट्स वगैरह आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। हेल्पलाइन इन्होंने दी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो इन्होंने एक यूआरएल दिया है, इस पर जाकर आप अपने जो हेल्प चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो आई होप ये पूरा नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, पसंद आया है, और आप चाहते हैं इसी तरीके के मैं नोटिफिकेशन आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ, तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। उसी के साथ साथ लेक्चर्स भी आपको पता है हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।